राजस्थान में गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। मास्टर जी के नाम से चर्चित 72 साल के मेघवाल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। राजनीति के माइलस्टोन बने मास्टर जी ने अपने सियासी सफर में कई अनूठे रिकॉर्ड बनाए। इंदिरा गांधी के समय से एक कद्दावर दलित नेता की पहचान बना चुके सुजानगढ़ के एक स्कूल में पीटीआई से मंत्री बने भंवरलाल का राजनीतिक कद सदैव ऊंचा रहा। आइए जानते हैं मास्टर जी के सियासी मास्टर स्ट्रोक के सफर के बारे में। अप्रैल को मास्टर भंवरलाल मेघवाल को ब्रेन हेमरेज हुआ। शुरुआत में उनको राजधानी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात नहीं सुधरी तो 13 मई को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां ले जाते समय खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी अच्छी सेहत की मंगल कामना की। मास्टर जी तब से वेंटिलेटर पर थे। सोमवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो राजनीति के दलित नेता ने हमेशा के लिए आंखें मूंद कर दुनिया को अलविदा कह दिया। मास्टर भंवरलाल जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत काम किया है और समाज के अंदर उनका एक विशेष स्थान था। उनके ना रहने से कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए, राजस्थान के लिए, समाज को के लिए, सबके लिए एक भारी क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से ही भंवरलाल कांग्रेस के साथ रहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पार्टी और दलितों में अच्छी पैठ कायम कर ली। यही कारण रहा कि मास्टर जी को एक कद्दावर दलित नेता के रूप में जाना जाता है। शेखावाटी और बीकानेर संभाग के दलित वोट बैंक में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। भंवरलाल के पास फिलहाल राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। चूरू जिले के एक छोटे से गांव बागसर आगुना से राजस्थान विधानसभा तक का सफर तय कर चुके और एक बेहतर प्रशासक माने जाते रहे भंवरलाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार में भी शिक्षा मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। वर्तमान में चूरू जिले की सुजानगढ़ सीट से विधायक रहे मास्टर जी अब तक 5 बार विधायक रहे। भंवरलाल का राजनीतिक सफर 1977 से शुरू हुआ। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 10 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 5 बार 1980, 1990, 1998, 2008 और 2018 में जीत मिली। तब वो गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री के साथ सामाजिक और अधिकारिता मंत्री रहे। गांव बागसर पूर्वी में चूनाराम मेघवाल के घर 2 जुलाई 1948 को मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म हुआ। एक स्कूल में पीटीआई की नौकरी की, लेकिन मन तो राजनीति में जाने का था। तब नौकरी छोड़कर राजनीति की राह पकड़ ली। अब भंवरलाल के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। पत्नी केसर देवी 5 दिन पहले ही पंचायत समिति सदस्य बनी है। कांग्रेस ने केसर देवी को चूरू जिले के सुजानगढ़ में शोभासर ब्लॉक में पंचायत समिति सदस्य का प्रत्याशी बनाया था, जहाँ से वह निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उनके साथ जुड़ा अनोखा संयोग यह रहा कि जब जब वो जीते राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और जब जब हारे तब प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई। उनका यह संयोग और मास्टर स्ट्रोक हमेशा के लिए जुदा हो गया है। अब तो उनकी यादें ही स्मृति में शेष है। दिनेश सविता, A1 TV, जयपुर। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV।